हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज मैं आप लोगों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में एक डिफरेंट टाइप की स्टडी लेके आया हूं जिस पर मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा कि इस चैप्टर में कौन सी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो क्वालिटी मैनेजमेंट एक चैप्टर है उसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा वन बाई वन करके ओके तो मेरे साथ बने रही और मेरे जितने भी पुराने वीडियोज़ हैं मैं उन पुराने वीडियोज़ की जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा और वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं मैंने वहाँ पर ग्यारह सेट ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ ये मैं सेट कर बारह सेटवा करवा रहा हूं और उसमें है क्या कि इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट मैं क्वालिटी मैनेजमेंट पर लेकर जो मैं जो से लेके आया हूँ चैप्टर उसमें जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं वन बाई वन कराऊंगा ओके चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की द एक्सपेंसन ऑफ क्यू एम एस इज क्यू एम एस इज़ अब हम इसमें क्या करेंगे मेरे पास ऑब्जेक्टिव भी होंगे और इसमें आपका राइट आंसर भी क्लिक होगा उसमें आप देख सकते हैं कौन सा राइट आंसर है तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा आपको मैं डायरेक्टली डा, बताना चाहूँगा कि इसका एक्सपेंशन क्या होगा द एक्सपेंशन ऑफ क्यू एम एस इज़ देखिए अब आप देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्टिव इसका एम एम सी क्यू है मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर तो देख सकते हैं यहाँ पर द एक्सपेंशन ऑफ क्यू एम एस इज़ क्या होगा क्यू फॉर क्वालिटी एम फॉर मैनेजमेंट एस फॉर सिस्टम अब देखिए क्यू एम एस ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और आज भी मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ ताकि ये जो रीडिंग मटेरियल्स है जो ये रीडिंग मटेरियल्स है ये एक चैप्टर वाइज है तो उस चैप्टर में जो क्वालिटी मैनेजमेंट जो चैप्टर है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ तो पहला क्वेश्चन जो था एक्सपेंसन ऑफ क्यू एम एस तो क्या हुआ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की पी डी सी ए साइकिल पी स्टैंड फॉर हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि पी फॉर होता है प्लान डी फॉर होता है डू सी फॉर होता है चेक ए फॉर एक्ट प्लान डू चेक एक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने अपने इस क्वेश्चन को रीडिंग मटेरियम रखा है ताकि आप इस चैप्टर वाइज यदि पढ़ते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बार बार रिविजन कर लें ताकि क्वेश्चन पेपर में आपका गलत ना हो तो पी डी सी ए पर जाएंगे तो क्या होगा पी फॉर प्लान अदर भी चीज़ दिखाई जा रही है जैसे प्रोसेस प्रॉब्लम प्रोसीजर बट राइट आंसर क्या है प्लान चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की वाट इज़ द लास्ट वाट इज द लास्ट स्टेप इन आई एस ओ नाइन जीरो जीरो वन रजिस्ट्रेशन जो नाइन जीरो जीरो वन रजिस्ट्रेशन जो आई ए का आई सो मैं कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो नाइन जीरो जीरो वन है उसका जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका लास्ट स्टेप क्या होता है हम आपको बताएंगे क्या होता है सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में तो मैंने इस क्वेश्चन को अपने रीडिंग मेटीरियल्स में रखा हुआ है तो चैप्टर वाइज में पढ़ा रहा हूँ क्वालिटी मैनेजमेंट जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो क्या बताएंगे वाट इज द लास्ट स्टेप इन आई एसो नाइन जीरो जीरो वन रजिस्ट्रेशन तो सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट ओके अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की फिश बोन चार्ट इज आल्सो नोन एज जो फिश बोन चार्ट है जो आपको मैं बता चुका हूं कई बार एग्जाम में आ चुका है फिश बोन चार्ट इज आल्सो नोन एज कॉस एंड इफेक्ट डायग्राम कॉस एंड इफेक्ट डायग्राम को क्या बोलते हैं फिश बोन चार्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं फिश बोन चार्ट बोलते हैं चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं व्हाट इज द नेम यूज्ड फॉर वर्ड वेस्ट वेस्ट वर्ड के लिए हम जो जो जापानीज वर्ड है वो क्या यूज करते हैं मुड़ा क्या बोलते हैं उसको मुड़ा ये भी क्वेश्चन मैं कई बार एग्जाम बता चुका हूं देखिए जितने जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वालिटी मैनेजमेंट जो चैप्टर इस है इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हुए हैं मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा ओके अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वालिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी डिपार्टमेंट मस्ट भी जो क्वालिटी होता है जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है यानी किसी भी इंडस्ट्रीज का किसी भी डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होगा क्वालिटी बेस पर वो क्या होगा देखिए

प्रिवेंशन कॉस्ट इवेलुएशन कॉस्ट फेलियर कॉस्ट यानी ये तीनों कॉस्ट आएंगी क्योंकि ये टोटल क्वालिटी कॉस्ट के अंतर्गत आती है यानी कि प्रिवेंशन कॉस्ट भी आती है इवेलुएशन कॉस्ट भी आती है और फेलियर कॉस्ट भी आती है ओके अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वालिटी मीन्स क्या है क्वालिटी मीन्स क्या है यानी कि जीरो एरर ओके और एज पर रिक्वायरमेंट ओके मीटिंग द स्टैंडर्ड इस्टैब्लिश फॉर द प्रोडक्ट ठीक है ना तो बोथ बी एंड सी ओके तो क्वालिटी मीन्स क्या है मेरे अकॉर्डिंग तो जीरो एरर भी होना चाहिए पर जीरो एरर हो नहीं पाता इसलिए इसको मे बी इसका आंसर उसको ना रखा हो एज पर रिक्वायरमेंट एंड मीटिंग द स्टैंडर्ड इस्टैब्लिश फॉर द प्रोडक्ट ओके अब बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन की एट्टी परसेंट प्रॉब्लम आर फाउंड इन ट्वेंटी परसेंट वर्क दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन वाई मैंने आपको बताया था एट्टी ट्वेंटी जो का जो प्रॉब्लम्स वाला था वो क्या था पैरेटो चार्ट पेरेटो चार्ट यानी एट्टी ट्वेंटी एट्टी ट्वेंटी ओके चलिए यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कॉन्टीन्यूअस रिफर रिफॉर्म प्रोसेस यूज साइकिल यानी जो कॉन्टिन्यूस रिफॉर्म प्रोसेस यूज साइकिल क्या होती है पी डी सी ए जो कॉन्टिन्यूस रिफॉर्म यानी कॉन्टिन्यूस रिफॉर्म करते रहते हैं प्रोसेस यूज पी डी पी डी सी ए साइकिल ओके ओके बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की द एम ऑफ कैजान कैजन इज टू रिमूव द इज टू रिमूव द नेग्लियंस क्या होगा नेगलिजेंस ओके okay. ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है तो जो एम होता है कैजन का, का वो क्या रिमूव करता है नेग लीजेंस ओके चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ आयोसो यानी कि कितने कंट्रीज हैं मेंबर ऑफ आयोसो यानी मेंबर ऑफ आयुसो कौन सी कितनी कंट्रीज़ हैं वन सिक्स टू यानी कि वो एक सौ बासठ वन सिक्स टू कंट्रीज हैं जो मेंबर ऑफ आई एस ओ हैं ओके अब आ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बाई यूजिंग फाइव एस सिस्टम इज इज़ आर यानी जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं बाई यूजिंग फाइव एस दे फाइफ एस कई बार आ चुका है मैं आपको बता चुका हूँ ये भी जापानीज वर्ड है ठीक है ना तो उसके जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं इफ़िशंसी सेफ्टी एंड इंक्रीज़ इन प्रॉफिट यानी ऑल ऑफ़ दिस ठीक है ये भी क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं अपने सेट्स में ठीक है तो यानी कि मैंने उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ तो यानी कि आप जब इस वीडियोज को देखेंगे तो आपको क्वालिटी मैनेजमेंट का पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी मैनेजमेंट से इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं ओके और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे ओके okay, हम बात करते okay. बत, हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच वन इज एलिमेंट ऑफ क्वालिटी क्या एलिमेंट होगा क्वालिटी का डिजाइन डिजाइन ओके अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच वन इज डायमेंशन ऑफ क्वालिटी विच वन इज डायमेंशन ऑफ क्वालिटी तो बता क्या बताना होगा परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इज द डायमेंशन ऑफ क्वालिटी नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं वट इज फुल फॉर्म टी क्यू एम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ओके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज बात करते हैं व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ पैरिटो डायग्राम इन क्वालिटी टूल्स वट इज अ फंक्शन क्या फंक्शन होगा पैरटो डायग्राम का इन क्वालिटी टूल्स क्या होगा To narrow down the problems, जो problems होती है, जो कम करना। to narrow down the problems area, okay. Next question बात करते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है वॉट इज एक्सप्रेशन फॉर द क्वालिटी फॉर क्यू एंड पी फॉर परफॉर्मेंस एंड ई इज द एक्सपेक्टेशन आपको पता है क्यू इक्वल टू पी अपॉन ई होता है क्या होता है इक्वल टू पी अपनी टू क्वालिटी इक्वल टू परफॉर्मेंसॉन एक्सपेक्टेशन यही बताना है तो इसका आंसर क्यू इक्वल टू पी अपई चलिए ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ पी डी सीला को पता ही है ना प्लान डू चेक एक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग सजेशन अंडर कैजन में बी इंप्लीमेंटेड क्या आप सजेशन देना चाहेंगे क्या होगा विद एंड विद द अप्रूवल ऑफ सी ई ओ ओ ओ ओ ओके यानी द सजेशन अंडर कैजन मे बी इंप्लीमेंटेड क्या होगा विद द अप्रूवल ऑफ कैसे जब इंप्लीमेंट कब होगा जब विद द अप्रूवल ऑफ सी ई ओ ओ ओ ओ ओके क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेंटेनेस इज कैरिड आउट ओनली दे आर द फेलियर ऑफ मशीन और द इक्विपमेंट विच मेंटेनेस इज कैरियड आउट कौन सा मैंटेन्स कैरियड आउट करना पड़ता है जब फेल हो जाती है मशीन इक्विपमेंट शेड्यूल ठीक ना तो शेड्यूल को हमको मैंटेन रखना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ईयर क्वालिटी सर्किल इज इंट्रूस इंडिया कौन से साल में क्वालिटी सर्किल इंट्रोड्यूस हुआ इन in इंडिया कब हुआ नाइनटीन एट्टी टू यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखेगा नाइनटीन एट्टी टू में जो हमारा क्वालिटी सर्किल था वो इंट्रोड्यूस किया था जिसमें इंडिया ने ओके okay. अब बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन इन क्वालिटी सर्किल वाट डज जूस स्टैंड फॉर जे यू एस ई जूस स्टैंड फॉर क्या होगा यूनियन ऑफ जैपानीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स यूनियन ऑफ जैपानीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं द टर्म ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन और सस्टेन एज फाइव पेस्ट कॉन्सेप्ट जो फाइव पेस्ट कॉन्सेप्ट है जो टर्म है जो सेल्फ डिसिप्लिन डिसिप्लिन एंड सस्टेन तो इससे क्या होगा सिक सीत सुखे क्या हुआ सीत सुखे ये भी कई, ये कई सारे होते हैं ठीक है सीत सुखे या सीतोन या सेरी ठीक है ना तो इसमें क्या होगा जो सेल्फ डिसिप्लिन एंड सस्टेन ठीक है ना तो क्या होगा सीत सुखे ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ आई नाइन हंड्रेड नाइन थाउजेंड स्टैंडर्ड क्या होगा यूनिक फीचर्स क्या होगा थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी सिस्टम यानी कि टू इंप्रूव नॉलेज नहीं है टू बिल्ड ऑफ बुल्ड गुड टीम वर्क नहीं है द ब्रिंग आउट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटीज़ नहीं है क्या आंसर क्या होगा उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी ओके देखिए कितनी अच्छी ये हमारी पी uh, डी एफ मैंने जनरेट करी है आप लोगों के लिए कि इसमें आपको आंसर आपको दिख जा रहा है मे बी मैं कुछ गलत बोल सकता हूँ क्योंकि मैं बल रहा हूँ वन टी के बनाता हूँ कॉन्ट्रीज में बोलता रहता हूँ तो हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो जाए पर यहाँ कोई गलती होने के चांसेस बहुत ही जीरो है ठीक है चलिए नेक्स्ट बात नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटी क्वालिटी टूल यानी क्वालिटी टूल कौन सा होगा इसमें सेफ्टी टूल हैंड टूल चेक सीट कटिंग टूल यानी कि जो चेक सीट है यही हमारा क्वालिटी टूल है जो हमारे क्वालिटी टूल सात होते हैं उन सात टूल में चेक सीट भी क्या हमारे क्वालिटी टूल है चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं वाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस जी एस जी ए फुल फॉर्म क्या होगा स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी क्या होगा स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्टिविटी आप इन सब क्वेश्चन को एक कॉपी नोट डाउन कर लेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट के ये टॉपिक्स हैं कैसे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट के चैप्टर के क्वेश्चन हैं ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं वाट ज अ फुल फॉर्म ऑफ टीपीएम क्या होगा टोटल प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टीपीएम फुल फॉर्म क्या होगा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टी क्यू एम फोकस ऑन फोकस ऑन कस्टमर किस पर फोकस फोकस करते हैं हम लोग कस्टमर पर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ आई एस ओ नाइन थाउजेंड फैमिली ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इज क्या हुआ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द अंडर द आई एस ओ नाइन थाउजेंड फैमिली ओके इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना वाट इज द मीनिंग ऑफ कैजन कैजन क्या होता है क्या इंप्रूवमेंट ओके देख क्या हुआ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट कैजन क्या होता है क्या होता है इंप्रूवमेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हैंडक्वार्टर ऑफ द आई ऑर्गेनाइजेशन फॉर

तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अकॉर्डिंग टू द जे एम जुरैन डेफिनेशन ऑफ द क्वालिटी इज तो जो जो जे एम जुरैन थे उन्होंने क्वालिटी के लिए क्या आपके लिए डेफिनेशन दी थी ये देखिए क्या दिया था उन्होंने क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज ये क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज ओके तो ये जे एम जूरन की डेफिनेशन थी ओके अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्टिविटी मैथड इज डेवलप्ड इन विच कंट्री तो स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्टिविटी मैथड इन इन विच डेवलप्ड सॉरी मैथड इज डेवलप्ड इन विच कंट्री तो आपको पता है इंग्लैंड में ओके okay. तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है हु इज द फादर ऑफ क्वालिटी सर्किल आपको पता है हु इज द फादर ऑफ क्वालिटी सर्किल ये सी कवा ठीक है ना ये याद रखिएगा जो इसी कवा थे ये फादर ऑफ क्वालिटी सर्कल थे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं टी पी एम इज अप्लीकेबल इन विच ईयर जो टी पी एम था वो कब अपलीकेबल हुआ था नाइनटीन सेवेंटी वन में ओके डॉक्यूमेंट ऑफ द क्वालिटी सिस्टम डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिटी सिस्टम इज इन कौन स्टेज होता है फोर स्टेजेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कौन सी चीज को हमने इंक्लूड किया है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में तो हम बता दें क्वालिटी एश्योरेंस इज इन डिजाइन डेवलपमेंट प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन जो क्वालिटी एश्योरेंस इन डिजाइन डेवलपमेंट प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल्स क्या होगा इंडिकेट सेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट्स सेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किस प्रकार इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस सेप में ठीक है ना यह बताता है हिस्टोग्राम ओके विच ऑफ वन इज नॉट अ बेसिक टूल ऑफ यूज इन क्वालिटी सर्किल कौन सा यूज़ नहीं होगा टॉर्क रेंच हिस्टोग्राम यूज़ होता है पेरेटो चार्ट यूज़ होता है चेक सीट ये सब के आपके क्वालिटी टूल्स हैं जो तो टॉर्क रेंच है ये यूज़ नहीं होता है टॉर्क रेंच तो आपका मैकेनिकल का इक्विपमेंट है ओके okay? टूल्स है विच वन इज़ नॉट द सर्टिफाइड आयोसो स्टैंडर्ड ठीक ना कुछ ही क्वेश्चन बस रह गए हैं बस फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और वह एक सेकंड बताता हूँ बच्चों की आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करना मत भूलिए क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी तो बच्चों को फायदा होगा ना मेरा बनाने का मतलब क्या है? मेरे बच्चों मेरा जो वीडियो बनाने का मेम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक तो पहुँचे यदि आपने देख लिया तो आप ये एक तरह वो एक मतलब कि ये सोच लीजिए कि हमको एक या दो लोगों को जरूर भेजना है तो आप देखिए वीडियो को और एक दो लोगों को जरूर भेजिए ताकि मेरा वीडियो स्प्रेड हो तभी तो लोग देखेंगे तभी तो मेरा फायदा होगा फायदा मतलब कि मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे वीडियो को देखा जा रहा है और आप सब्सक्राइब भी करिए ठीक है मेरा बस एक ही है कि आप लोग तो मेरा वीडियो बस पहुंच जाए किसी प्रकार से ठीक है ना ताकि आपको किसी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे पता है कि इम्प्लामेंटी स्किल्स के टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं ठीक है ना कॉलेजों में टीचर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं हो पाया था किसी कारण तो यानी टीचर अवेलेबल नहीं है तो मतलब कि आपको कहीं ना कहीं सफर करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट से लेकर तो मैं चाहता हूँ आप लोग इस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करें और मेरे कुछ वीडियोज़ को ओपन करें और देखें ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ विच वन इज नॉट सर्टिफाइड आई स्टैंडर्ड आई सो नाइन जीरो वन जीरो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वालिटी ओके okay, क्या होगा इसका क्वालिटी ऑफ नन कन्फर्मेंस ओके क्या होगा क्वालिटी कंट्रोल हो गई क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन हो गई क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस हो गई पी डी सी ए साइकिल स्टैंड फॉर पी फॉर प्लान ओके हाउ मेनी कंट्री आर द मेंबर ऑफ ईसो आपने देखा था 162 ठीक है तो ये मेरे वीडियोस थे मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा इस वेट से लेकर तब तक लिए आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखें शेयर करें सब्सक्राइब करें तब तक लिए जय हिंद जय भारत ओके थैंक यू सो मच